हेलो फ्रेंड्स, तो ये है इस सीरीज का सेकंड पार्ट। इसके पहले पार्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि हैनली 7 मिस्ट्री सेट का ऑडिशन देने आता है, जहां उसके दोस्त जैंग और फ्यू भी उसके साथ हैं। लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वो पास नहीं हो पाते और तब मो नाम का एक मास्टर हैनली और जैंग को एक्सेप्शन देने को तैयार हो जाता है। अगले दिन से वो लोग अपनी कल्टीवेशन शुरू करते हैं, जहां मो उन्हें बताता है कि वैसे तो इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है, लेकिन उसके कुछ स्पेशल पोशन इसकी स्पीड को तेज कर सकते हैं। वो उन्हें अपनी बनाई कुछ रेसिपीज देता है और बताता है कि सही फॉर्मूले के लिए सही हर्ब्स का होना बहुत जरूरी है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इनकी एज, क्योंकि कई हर्ब्स को तैयार होने में कई सौ साल लग जाते हैं। वो उन्हें पोशन बनाने के साथ साथ मेडिसिन की भी पूरी नॉलेज देता है और इससे उनकी स्किल्स और बेहतर होने लगती है। एक फार्मर होने के कारण हैनली को पेड़ पौधों की अच्छी जानकारी थी और इसीलिए मो ने उसे हर्ब गार्डन की देखभाल का काम दिया था। जैंग के रूप में हैनली को एक बहुत अच्छा दोस्त मिला था, जो एक फैमिली की तरह उसका बहुत ख्याल रखता था, लेकिन उसका मन पढ़ाई में कभी नहीं लगा। जल्दी ही वो कल्टीवेशन के लेवल 1 को पूरा कर लेते हैं और साथ ही पेशेंट्स को ट्रीट करने में भी मो की बहुत हेल्प करते हैं। मो को हैनली से बहुत उम्मीद है और वो चाहता है कि उसके बाद हैनली ही यहाँ का सारा काम संभाले, और इसीलिए वो उसे हर काम अपने हाथ से करने को कहता है, जैसे दवाई बनाना और पेशेंट्स की बैंडेज करना। फिर एक दिन मो की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो जाती है और वो उन दोनों को एक हब का नाम बताता है, जो उन्हें पास ही के एक माउंटेन में मिलेगी। अगले दिन वो दोनों उस हब को लेने जाते हैं, जहाँ हैनली रस्सी के सहारे नीचे उतरता है और जैंग ऊपर से उसे सपोर्ट करता है। जल्दी ही हैनली को वो हब दिखाई दे जाती है और वो रस्सी से झूलते हुए उसे तोड़ लेता है। तभी अचानक उसे एक जोर का झटका लगता है और वो जैंग से पूछता है कि आखिर ऊपर क्या हो रहा है। फिर किसी तरह वो रस्सी से चढ़ता हुआ ऊपर की ओर आता है और देखता है कि वहाँ कुछ लोगों ने जैंग को पकड़ा हुआ है, जो असल में उस वुल्फ गैंग के मेंबर हैं। हैनली उन्हें ये सब बंद करने को कहता है, लेकिन वो आदमी जिसका नाम जीबो है वो उसे लड़ाई के लिए चैलेंज करता है और कहता है कि हिम्मत है तो अपने दोस्त को छुड़ा कर दिखाओ। फिर वो अचानक से हैनली पर अटैक कर देता है और लात और घूंसों से उसकी खूब पिटाई करता है। तभी हैनली की नज़र सामने पड़ी एक तलवार पर जाती है और वो उसे लेकर जीबो को मारने की सोचता है, लेकिन जीबो की फाइटिंग स्किल्स उससे कहीं ज्यादा सुपीरियर थी और वो जल्दी ही हैनली पर काबू पा लेता है और कहता है कि अब मैं ये हाथ तोड़कर अपने साथ ले जाऊंगा। तभी हम एक दूसरे फाइटर को आते हुए देखते हैं और पता चलता है कि ये तो उनका पुराना दोस्त फ्यू है। फ्यू कहता है कि लगता है आज तुम लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा, और इस पर जीबो कहता है कि आखिर तुम हो कौन और वुल्फ गैंग के काम में रुकावट डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फिर वो अपने लोगों से उसे फिनिश करने को बोलता है, लेकिन उन्होंने शायद फ्यू को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया था, क्योंकि वो सब उसे छू तक नहीं पाते और फ्यू जल्दी ही उन्हें ढेर कर देता है। हैनली और जैंग भी उसकी स्किल्स देखकर बहुत हैरान होते हैं कि आखिर उसने ये सब कहाँ से सीख लिया। तभी जीबो खुद उस पर अटैक करने आता है और ऐसा लगता है जैसे वो फ्यू पर भारी पड़ने वाला है, लेकिन जल्दी ही ये डाउट भी क्लियर हो जाता है और उसके साथियों की ही तरह फ्यू उसे भी धूल चटा देता है। जीबो समझ जाता है कि ये उनके बस के बाहर की बात है और वो सब पीठ दिखाकर वहाँ से भाग निकलते हैं। आगे फ्यू अपने दोस्तों से मिलता है, जो उसे सेट के कपड़ों में देखकर बहुत हैरान होते हैं और पूछते हैं कि आखिर वो इस जगह क्या कर रहा है। तब फ्यू उन्हें बताता है कि पिछले साल मैंने टेस्ट को पास कर लिया था और सभी लड़कों में मेरा सेकंड रैंक था। हैनली को विश्वास नहीं होता कि एक ही साल में वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता है, लेकिन फ्यू कहता है कि ये तो बस एक कोइंसिडेंस था और क्योंकि फिलहाल वो एक मिशन पर है, इसीलिए ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकता। हैनली को कुछ ठीक नहीं लगता, क्योंकि फ्यू दिखने में कुछ बीमार लग रहा है, लेकिन जैंग उसे यहाँ से वापस चलने को कहता है। तभी हम देखते हैं कि फ्यू की तबीयत अचानक से बिगड़ना शुरू हो गई है और वो बैलेंस खोकर नीचे गिर पड़ता है। उधर हैनली को भी लगता है कि जरूर फ्यू को छुपा रहा है और वो जैंग से कहता है कि मुझे वापस जाकर फ्यू को चेक करना होगा, तब तक तुम ये हब मास्टर के पास ले जाओ। जैंग उसकी बात मान जाता है और उसे वॉर्न करता है कि वुल्फ गैंग वालों से बचकर रहना। जल्दी ही वो फ्यू तक पहुंच जाता है और देखता है कि उसकी हालत बहुत खराब है। ट्रीटमेंट के लिए वो अपनी एक्यूपंचर नीडल्स निकालता है और तभी उसकी नज़र फ्यू की पकड़ी हुई एक बोतल पर जाती है, जिसमें से ड्रग्स की स्मेल आ रही है। वो समझ जाता है कि इन्हीं की वजह से फ्यू ने वो टेस्ट पास किया है और उसकी ताकत भी इन्हीं ड्रग्स की वजह से है।
वो उसे समझाता है कि इसे लेने से स्पीड और ताकत तो जरूर बढ़ जाती है, लेकिन एनर्जी भी ये उतनी ही तेजी से ड्रेन करता है, और अगर तुमने इसे रेगुलर कंज्यूम किया तो जल्द ही तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी, जिसे छोड़ पाना इम्पॉसिबल है। लेकिन फ्यू को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और उसके सामने ही वो एक और पिल खा लेता है, जिससे उसकी एनर्जी वापस आ जाती है। फ्यू उसे इस बात को सीक्रेट रखने को कहता है और बताता है कि वरना मुझे तुम्हें जान से मारना होगा, लेकिन हैंडी कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो और चाहो तो मैं इसे छोड़ने में तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ। आगे का सीन वुल्फ गैंग के बेस का है, जहाँ हम उनके लीडर जिया लोंग को देखते हैं और पता चलता है कि जीबू असल में उसी का भतीजा है। जिया लोंग उन लोगों पर बहुत नाराज होता है कि वो लोग एक सिंगल फाइटर से कैसे हार गए, और कहता है कि आज तुम लोगों ने मेरी नाक ही कटवा दी और बिना परमिशन तुम वहाँ क्या करने गए थे। यही हम एक बौने आदमी को देखते हैं जो उसे समझाता है कि ये तो बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था और इससे हमारे प्लान पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उधर मो हैनली और जैंग की इनर स्किल्स को चेक करता है और देखता है कि जैंग ने अब तक कोई प्रोग्रेस नहीं की है। फिर वो हैनली को अपने पास बुलाता है और फील करता है कि उसकी एनर्जी तेजी से बढ़ रही है। हैनली को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन मो कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है। फिर वो जैंग के ट्रेनिंग प्लान को चेंज कर देता है और हम देखते हैं कि वो मेडिसिन से हटकर फाइटिंग ट्रेनिंग करने लगा है। जल्दी ही 3 साल बीत जाते हैं और एक दिन मो को काम से कहीं बाहर जाना पड़ता है। वो उन्हें वॉर्न करता है कि तुम्हें अपनी प्रैक्टिस को चालू रखना होगा और मैं आते ही तुम्हारी स्किल्स को दोबारा टेस्ट करूंगा, और ये कहकर वो चला जाता है। फ्यू भी अब उनसे मिलने आने लगा था और हैनली ने अपनी मेडिसिन से उसकी ड्रग्स भी छुड़वा दी थी। यहाँ फ्यू जैंग की फाइटिंग स्किल्स चेक करता है और देखता है कि 3 साल में उसने बहुत प्रोग्रेस कर ली है और अब वो पहले जैसा कमजोर बिल्कुल नहीं है। वो हैनली से पूछता है कि डॉक्टर मो तुम्हें फाइटिंग की ट्रेनिंग क्यों नहीं देते, और इस पर हैनली कहता है कि ज्यादा तो मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन शायद उन्होंने मेरे लिए कुछ और सोच रखा है। आगे वो एक दूसरे की लाइफ के बारे में बात करते हैं कि यहाँ आकर वो कितनी बदल गई है, और ये नॉलेज एक दिन उन्हें जरूर फायदा देगी। फिर हैनली उन्हें अपनी सिस्टर का दिया वो गिफ्ट दिखाता है और बताता है कि कैसे वो उसे बहुत मिस करता है। तब फ्यू कहता है कि मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है और जो इंसान मेरे बारे में सबसे ज्यादा सोचता है वो मैं खुद ही हूँ। फिर वो लोग जैंग से उसकी फैमिली के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो बताता है कि मेरी फैमिली को मेरी कोई परवाह नहीं है और मैं भी उन्हें बिल्कुल मिस नहीं करता। ये सुनकर हैनली और फ्यू को बहुत दुख होता है, लेकिन जैंग कहता है कि तुम्हारे होते मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी मैं पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया हूँ। आगे वो तीनों हमेशा एक साथ रहने का वादा करते हैं, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।